हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरजी नगमे पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। यह है मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी। तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो आज रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, ये है अलसी के लड्डू। जी हाँ, अलसी के लड्डू। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन की है और उस पर लोहे की कढ़ाई मैंने रख दी है। 3 बड़े चम्मच घी ऐड किया है मैंने, ये देसी घी है। मैंने अलसी ली है 1 किलोग्राम और गुड़ लिया है 0.5 किलोग्राम। ड्राई फ्रूट्स इच्छा के अकॉर्डिंग है और सोल्ट जो है वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, अलसी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और धीमी आंच पे चलाते रहेंगे ताकि वो जले नहीं और अच्छे से भून जाए। थोड़ी देर में अलसी अपना कलर चेंज कर देगी। ये देखिए, मेरी अलसी भून गई है और इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। अब मैंने घी लिया है और इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करके इसको भून रही हूँ। धीमी गैस रखनी है। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एक साथ ले लिए हैं, एक साथ ही भून रही हूँ इनको। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स मेरे हो गए हैं। सारे मसालों को अलसी में ऐड कर दिया है मैंने। इसी में मैंने डाल दिया सोल्ट, जो कि मैंने लिया था 3 बड़े चम्मच। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा ही रखिएगा। अलसी के लड्डुओं में सोल्ट बहुत अच्छा लगता है। सारे मसालों को मिक्स कर देना है इस तरीके से ताकि अलसी और मसाले, ड्राई फ्रूट्स सारे मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने कढ़ाई में जैगरी को डाल दिया, जो कि मैंने पहले से दरदरा करके रखा था। इसको ऐसे ही डाल के थोड़ा सा पानी की छींटे मार देना है। थोड़ी देर में ये गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया है। अब इसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे और गैस को सिम पे ही रखेंगे। धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिस तरह से मैं चला रही हूँ ये, ताकि गुड़ और मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए सारा मिक्स हो चुका है। अब गरम गरम ही इसको बनाना है लड्डुओं के शेप में। आप चाहें तो दोनों हाथों को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक हाथ से बना रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। आप चाहें तो दोनों हाथों को यूज़ कीजिए तो जल्दी हो जाएगा। और ये गरम गरम ही बनाना है फ्रेंड्स। अगर ये बन ना रहा हो, हाथ में चिपक रहा हो, तो आप हाथ को हल्का सा गीला कर लीजिएगा, हल्का सा, और उसके बाद बनाइएगा तो ये बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने बनाए हैं, ये देखिए। ये देखिए मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, है ना खूबसूरत फ्रेंड्स। ये खूबसूरत भी हैं और टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। तो मैं कहूँगी कि आप इसको बनाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होता है अलसी का लड्डू और ये बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, डिलीशियस लड्डू। सो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आपके सामने मैं लेके खड़ी हुई हूँ, देखिए ये लड्डू, मेरे अलसी के लड्डू रेडी हो गए हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग भी इसको बनाइए और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।